हेलो दोस्तों, हाय। आज मेरा तो धान कटने वाला है, बड़ी बिजी हूँ यार, इसलिए मैं सोची क्यों ना जल्दी जल्दी स्केच करा लूँ। मैं सोची क्या बनाए क्या बनाए, मैं ऐसे ही सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं काली माँ को बनाऊँ, क्योंकि जो काली माँ है तो आप जानते हो वो नौ देवी का अवतार है, तो मैं तो ऐसा अभी बनाई नहीं थी। मैं सोची आज बनाऊँ और जल्दी जल्दी बनाई, तो इसमें 2 दिन पहले तो मैं थोड़ा बिजी थी, करवा चौथ था तो तैयारी वारी करना रहता है, सामान लेना रहता है, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है, तो अपना गए उधर उधर, फिर सामान उमान लिए। तो मैं आज बना रही हूँ काली माँ को। देखो मैंने और ड्रॉ कर लिया है, फिर आई कर रही हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हुआ बनाने में, तो जो था क्या है कि गुस्से में है तो काली माँ, तो बनाते बनाते तो मैं बना ली, फिर जाना है गेहूँ बनाने, अरे धान काटने, तो मैं सोची क्यों ना एडिट भी कर लूँ, तो वहीं अपना एडिट ओडिट की जल्दी जल्दी, फिर सारा काम उम रहता है, जानते हो गांव में कितना काम होता है, काम करना, ये करना, वो करना, खाना पीना, भैंस कोवर डालना, उसका जो कचरा है साफ करना, पानी डालना, सब कुछ करना, करने के बाद जब खाली हो जाओ धान उन काटो खेत में, फिर इसके बाद आओ घर पे, फिर खाना पीना करो, सबको दो, खाएं, फिर मांजना उजना, फिर रेस्ट करो, फिर सो, फिर वही दिनचर्या रहता है यार। तो ऐसे ही मैं थी खाली, तो मेरा आज बाबू का थोड़ा बताई थी आपको, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था, उसको पीलिया उलिया हो गया था, तो बड़ी दिक्कत हुई थी, तो उस समय तो भी बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया, तो आज से स्कूल स्टार्ट किया तो गया था, फिर उसके बाबू को फ़ोन ऑन किए तो उसके बाबू उसको लेकर आए हुए, फिर आ गया, अपना होमवर्क वोमवर्क किया, उसमें हेल्प भी मैं करवाई, फिर अपना एडिट भी लगाई थी, हो ही रहा था, फिर गई नीचे ऊँचे, अपना उसको खाना पीना लाए दिए, क्योंकि हम छत पे रहते हैं, तो खाना वाना मेरा भी बाबू जो है खा वो लिया, तो अब बहुत खुश है। तो इस समय देखो अब तो लगभग करवा चौथ भी बीत गया, अब त्यौहार वहीं आएगा दीपावली, दीपावली पे भी बहुत अच्छा लगता है, दीपावली कितना आनंद रहता है, दीपक सब जगह जलता है, देखने में उसका नज़ारा ही कुछ रहता है, सब जगह अंधेरा अंधेरा, दीपक का रोशनी देखो तो कैसे जो है पीला पीला करके थोड़ा थोड़ा दिखता है रोशनी, दूर तक देखो तो जैसे लगता है, वैसे तो बहुत कम लगता है, लेकिन दूर से देखोगे ऐसा महसूस होगा कि प्रकाश जैसे लगता है लंबा का हो के फैला हुआ है, एकदम महसूस बहुत अच्छा होता है। तो वहीं तो आप लोग जानते ही हैं, राम भगवान जब आए थे तभी से दीपावली मनाया जाता है, तो अब दीपावली इस समय आने वाला है, तो काफ़ी लोग धनतेरस को भी खरीदारी अपना करते हैं, जिसको जो लेना है लेते होते रहते हैं, तो मैं भी सोची कुछ ना क्यों लूँ, तो मैं वही सोची कि अपने बाबू के लिए ही एक गले में का लॉकेट ले लेती हूँ, तो यही अभी सोची हूँ, तो हस्बैंड से बात की तो बोले ठीक है चलो ठीक है ले लेना, मैं बोली चलो ठीक है, तो अपना एडिट कर रही हूँ। अब देखो लगभग मैंने काली माँ का ड्राइंग कर लिया है, अब काली माँ का जो है आईज नोज लिप जो उनका गले में का कहना होना है सब बना ली हूँ, अब हेयर वेयर का स्टाइल कर रही हूँ, तो हेयर स्टाइल जो है उनका काफ़ी गुस्से में है तो इधर उधर बिखरा हुआ है, और ऐसे भी हमको एक जो हेयर स्टाइल होता है बिखरा हुआ है हमको वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो काली माँ जब वहीं रक्तसूर जो था गुस्से में किया था, रक्तसूर पूरा उसका रक्त जो गिर रहा था तो कई रक्तसूर पैदा हो जा रहे थे, तो मारना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा था, तो वहीं अपना काली माँ जो है गुस्से में जीभ निकाली थी और हाथ में एक जो बड़ा सा कटोरा ली हुई थी, और उसी में उनका सारा रक्त जो है एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दे रहे थे, क्योंकि एक बूंद से कई हजारों रक्तसूर पैदा हो रहे थे, तो जिससे उनका जो गुस्सा है चरम सीमा पर फैलता गया अपना वही था, तो फैल वैल गया उनका गुस्सा, तो ऐसी समय का है जो मैं ड्राइंग की हूँ, तो पूरा तो नहीं की लेकिन हमको मन ही कर रहा था तो मैं बना ली, और अभी टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ा, कर उड़ ली, अब काम है इसमें थोड़ा बिजी रहूँगी, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे खासे होंगे, और
क्या कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भी बताइएगा कि मैंने जो काली माँ का ड्राइंग बनाया है तो कैसा लगा आप लोगों का। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है यार। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ काली।